मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी चीज़ को करने की सरकार और लोग ठान लें तो असंभव कुछ भी नहीं है। जब मैं इस जगह को देखने के लिए आया तो इसको देखकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि जो जगह बहुत खूबसूरत हो सकती है उस जगह को हमने बड़े बेरहमी से मलबे के ढेरों में तब्दील कर दिया है। और इस जगह को देखकर मुझे ख्याल आया कि अगर इसको हम डेवलप करें तो एक बहुत ही दर्शनीय स्थल हो सकता है। तो एक ऐसी जगह बनाई जाए जो ग्रीन लंग के तौर पर काम करे, और उसको हम लोगों के सहयोग से ही बनाना चाहते थे। इसलिए गवर्नमेंट का कोई पैसा इसमें हमने लगाना उचित नहीं समझा, और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और एक उनको इस जगह से एक लगाव हो ऐसा करने के लिए हमने ये उनको कहा कि आप CSR का पैसा लगाइए और इस जगह को डेवलप करिए। आई एम गुड़गांव इसमें हमारे पार्टनर हैं, और लतिका ठुकराल जी, उन्होंने बहुत इसमें टाइम दिया है। उन्होंने अच्छे एक आर्किटेक्ट को अपने कॉन्ट्रैक्टर को लिया और इसके ऊपर काम करना हमने शुरू किया। आप ये देखेंगे कि बहुत सारा मलबा था जिसको इन्होंने रिमूव किया है। वन ऑफ द थिंग्स अर्ली ऑन वी लुक्ड एट इज वी गोइंग टू यूज एज मच ऑफ द वेस्ट एज पॉसिबल। अ लॉट ऑफ इट वाज ऑन साइट, देयर वाज अ लॉट ऑफ just dumping here. So if you look at the other side, there was a whole, almost a hill of malba created. So we started there and we said, what can we do with it? So to start with, one of the main things we did when we tried to create levels is to use a lot of the malba in fill, as a basic construction fill. So even the amphitheater was created with that. If you see some of this where we're starting to create levels, there is a little bit of that filled in here. But then what we did is we took the larger pieces of concrete, we created almost like what would be a stone wall, like a random stone wall, and we created those as seat walls. We started to look at waste stone. There's so much waste of stone and tiles, and we looked at that for coping. इसके अलावा इस जगह के ऊपर पानी का ऊपर का जो आएगा उसको भी ये रिचार्ज हो, उसमें नीचे जाए तो रिचार्ज वेल्स यहाँ पर बनाने लग रहे हैं। The idea is to capture all the rainwater and recharge it into the ground naturally. What has been happening over the last 5-7 years is we have larger rain events. So there'll be a lot of rain in one day. Or 5 days across the season, as opposed to a little bit of rain every day. So what happens is the capacity of the land to hold that water for a little longer period till it gets absorbed is what's critical. So to manage that, we've created these lower areas, and they will hold the water. They will hold the water. The water level will go up, and it will go all the way into the ground. ये ultimately एक ऐसी जगह बनने वाली है जो लोगों को बहुत बड़ा space देगी, जहाँ लोग आके घूम सकते हैं। बच्चों के लिए अलग से जगह होगी, sports facilities होंगी, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए जगह होगी। और इसके अलावा यूथ जो रनिंग करना चाहते हैं या साइकिलिंग करना चाहते हैं तो उन दोनों की भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। तो एक ऐसी जगह है जो आने वाले सालों के अंदर ना केवल लोगों को सुविधा देगी बल्कि चर्चा का विषय भी रहेगी।